लोन पर फोन, अब मौका है सस्ता नहीं अच्छे मोबाइल लेने का, देर न करें आज ही आए। हमारा पता मसाजा कलेक्शन प्रिंस मोबाइल जलपुन्ना का पुलिस चौकी के सामने, सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज उपलब्ध। बल्डोज न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर और आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको ताजा नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए नए डालते हैं बड़ी खबर पर। हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के एक साल बाद उनके परिवार को झूठे मामले में फंसाने का मामला जोर पकड़ते नजर आ रहा है। दमोह चौरसिया समाज ने आज पुराने थाने पर एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने का आह्वान किया था, जिसको लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा पुराने थाने पर उन्हें रोका गया। वहाँ से महज 5-7 लोगों को ज्ञापन देने के लिए जाने की परमिशन दी गई, जिसको लेकर समाज के वरिष्ठ मुख्य लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। जैसे कि आप पूरी मीडिया परिवार को ये जानकारी वितरित है कि पिछले एक वर्ष पूर्व आदरणीय स्वर्गीय देवेंद्र चौरसिया जी का एक निर्मम हत्याकांड हुआ था, और हत्याकांड होने के बावजूद भी उनके परिवार को हैरेसमेंट कम नहीं हो रहा है। उनका कहीं क्रेशर बंद कराया जा रहा है, कहीं उनका PWD का लाइसेंस निरस्त कराया जा रहा है, और भी कई प्रकार से फ़ोन लगा के या किसी भी प्रकार से उनको मेंटली हैरेसमेंट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले एक मामला हुआ है कि एक व्यक्ति के द्वारा उनके ऊपर जमीनी विवाद को लेकर एक झूठा प्रकरण बनाया गया है कि उनके परिवार के, मतलब देवेंद्र चौरसिया जी के भतीजों के द्वारा हाथ में हथगोला और गोली मार के उनके साथ ऐसी आपराधिक घटना करके उनके ऊपर एक झूठा मामला दर्ज कराया गया है। तो उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आए थे कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि उनके परिवार का कहना है कि जिस समय ये घटनाक्रम हुआ उस समय उनके परिवार के जो सदस्य जिन पर मामला दर्ज है वो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में घर पे थे, और जो पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके परिवार को पुलिस की सुरक्षा प्रदान की गई है, मतलब सरकारी जो गार्ड है उनके साथ में थे, मतलब साक्ष्य स्वरूप ये सब चीज़ें हैं, इसके बावजूद भी उनके ऊपर ये जो झूठा आरोप लगाया गया है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, इस संदर्भ में हमने SP साहब को ज्ञापन दिया है, और हम मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन आदरणीय कलेक्टर साहब के द्वारा भी देंगे। क्या आश्वासन दिया? निष्पक्ष इसकी जांच होगी, आदरणीय SP साहब ने ये हम को आश्वासन दिया है। हमारे जो सोमेश चौरसिया के परिवार के ऊपर जो 307 का मुकदमा दायर हुआ है, उसके संदर्भ में पहले ही उनके जो देवेंद्र चौरसिया के पुत्र हैं उन्होंने जुडिशियल में और सारे जो प्रशासनिक जो तंत्र है उसको पहले से ही इस बात को लेकर अंदेशा जाहिर किया था कि हमारे पिता का जो मर्डर या हत्या हुई है उसके संदर्भ में हम न्याय मांगने के लिए जिस ढंग से साहसपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं, तो उसको डैमेज करने के लिए एक नया षड्यंत्र, एक नया प्रोपेगेंडा यहाँ पर रचा गया, और उसमें उस परिवार के 4-5 सदस्य जो कि जबकि वहाँ उपस्थित नहीं थे उनको उस प्रक्रिया में फंसाया गया है। उसकी पुनर्विवेचना के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आवेदन हम लोगों ने ज्ञापित किया है। आदरणीय SP साहब ने कहा है कि हम कानूनी निष्पक्ष जांच होगी और इसका आपको पूरा आश्वासन दिया उन्होंने दिया है।